सो हे गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं अनडोन गेम। और कल हमने यहाँ तक गेम खेला था, तो अब हमें आगे खेलना है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिए। पूरा बेसिक मैंने शुरू से स्टार्ट किया इस गेम को। तो यहाँ से अब हमें आगे जाना है वहाँ पर और अपने आप को चेक करवाना है कि हम ज़ॉम्बी द्वारा इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले अपने आप को चेक करवाते हैं। एक डॉक्टर आएगा, उसके बाद से हमारा चेकअप करेगा और हमें लेकर जाएगा वही एक रूम दिखाएगा। वहाँ पे हम टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर आया है और इसने हमें चेक किया, लेकिन हम बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं है, बहुत ही सेफ है। अब ये डॉक्टर हमें क्या करता है, लेकर जाता है एक रूम के पास और वहाँ पर हमें एक डिवाइस भी देता है। जी हाँ, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, हमें अंदर जाना है और उस डिवाइस को लेना है। सबसे पहले यहाँ पे बताता है कि टेबल के पास वो डिवाइस है, तो यहाँ से हम डिवाइस को लेते हैं, यहाँ पे पिकअप करते हैं, डन। और इसमें हम अपना हेल्थ चेक कर सकते हैं, देख लीजिए इंस्टॉल हो रहा है और ये अभी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम देख सकते हैं कि कितना हम स्वस्थ हैं और कितना हम अस्वस्थ हैं। जी यहाँ पर हमारा पूरा डाटा दिखा देगा, तो यहाँ पर पूरा ये इंस्टॉलिंग हो गया 100%। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्वाइव गेम के क्लिक करते हैं, ठीक, टैप टू, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इस पर करते हैं इट मॉनिटर, तो ये हमारा हेल्थ मॉनिटर है। यहाँ पे पूरी तरह से बताएगा कि हम कितना स्वस्थ हैं और कितना स्वस्थ नहीं है। यहाँ पे पूरा तरह से ये बता रहा है कि हम फ्रेश एंड क्लीन है। जी हाँ, तो सबसे पहले अब ऊपर चलते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे बेड के पास। ओके, हम यहाँ पर आ जाते हैं और ये हमारा ओके। तो यहाँ पे हम बाथिंग करते हैं, सबसे पहले थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, ओके। उसके बाद से हम बेड के पास आके थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम थोड़ा साफ सुथरे हो रहे हैं यहाँ पे, ओके ओके। नाइट फॉल स्लीप, ओके। तो अब हमें जाना है सोने के लिए यहाँ पे बेड पे, तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और स्लीपी हेड, ओके। आप देख लीजिए, हम थोड़ा बहुत यहाँ पे आराम करते हैं, उसके बाद से उठेंगे और फिर हम अपने मिशन पे चलेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा नाइट कंप्लीट होने वाला है, डन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लीप ले लिया, अब हमें थोड़ा बहुत खिड़की के पास आना है, ओके। हम चलते हैं विंडो के पास, ठीक है, यहाँ पर न्यू डे, ओके। तो ये हमारा डिवाइस बता रहा है कि हम मेंटल रूप से बहुत ही स्वस्थ हो चुके हैं। जी हाँ, ठीक है भाई, अब हमें कहाँ जाना है, ओके। हम जाते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रेश होते हैं टॉयलेट में, इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे हमें एक बिल्ली भी है भाई, टॉयलेट में बिल्ली क्या कर रही है वैसे भी, ओके ओके। तो यहाँ पे हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, वाश क्लोज। तो अब हमें अपने कपड़े को धोना है, नीचे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं वाशिंग मशीन कहाँ पर है। वहाँ पर हम अपने क्लोथ को थोड़ा सा क्लीन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वाशिंग मशीन, इसमें हम अपना क्लोथ वाश करते हैं, डन। वाशिंग क्लोथ, यहाँ आप देख लीजिए, तो हमारे कपड़े को यहाँ पे धोया जा रहा है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, वेट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्लोथ वाशिंग हो चुका है, अब हम इसको यूज करते हैं, लिव द डोर्म, ओके। तो हम यहाँ पे अब बाहर आते हैं, यहाँ पे शेल्टर गार्ड से यहाँ पे लिव द डोर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये बताता है कि हमें इस एक बंदे के पास जाना होता है और वहाँ पे जाकर हमें क्या करना है कि वहाँ से हमें एमओ मेडिकिट ये सब लेना है और मिशन पे जाना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है, हम इससे बात करते हैं। और उससे पहले यहाँ पे ये बोलते हैं एक शहीद के लिए शोक सभा लगाया रहता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत प्रार्थना करेंगे, जो भी लोग यहाँ पे शहीद हो गए हैं, जो हमारे साथी हैं वो शहीद हो गए, ज़ॉम्बी जी ने जिनको फिनिश कर दिया, उनके लिए यहाँ पे एक शोक सभा रखा गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेडिकिट लेंगे, एमओ लेंगे और अपने मिशन के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से अपना एमओ और मेडिकिट लेते हैं, क्लिंट द्वारा हम बाई पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जल्दी जल्दी बाई कर लेते हैं, से मेडिकिट भी बाई कर लेते हैं, जो जो यहाँ पे हमें सामान चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे हम बाई कर लेते हैं। और देख लीजिए, ऊपर हमारे पास 4,200 रुपये हैं, तो यहाँ से हमें सब कुछ बाई करके तब मिशन के लिए निकलना होगा। तो यहाँ पे हम सब कुछ बाई कर लिया है, अब हम चलते हैं यहाँ पे वो टू पे क्लिक करते हैं, डन, ठीक है।
और हमें जाना है यहाँ से रेड आउट पोस्ट पे। ओके, तो हमें रेड वुड आउट पोस्ट पे जाना है और वहाँ पे जाकर हमें कुछ बंदों की मदद भी करना है। जी हाँ, वहाँ पे हमें बहुत सारे जोम्बीज देखने के लिए मिलेंगे, तो वहाँ पे जाकर हमें थोड़ा बहुत फाइटिंग करना है। उसके बाद से शायद हम वहीं पे रहेंगे और वहीं पे हमें एक छोटा सा घर भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे शायद हम आने वाले हैं, ठीक है। ओके, as well as the key to defending against zombies. ठीक है भाई, going to raid wood outpost. ओके, तो हम शायद यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। I'm not sure about this operation. ओके भाई, ये ऑपरेशन के लिए श्योर नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे जोम्बीज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो इन्हीं को हमें फिनिश करना है। ओके भाई, बहुत सारे यहाँ पे जोम्बी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इनकी मदद करना है हमें। सबसे पहले तो नीचे जंप करना होगा चॉपर से। चलो भाई, तब चलते हैं इनकी मदद करने के लिए। और देख लीजिए कितने सारे जोम्बी यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले तो इनको हम फिनिश करते हैं जल्दी से नीचे चल के। तो यहाँ से हमें इधर जाना है इसके पास। ओके, सबसे पहले हमें नीचे जाना है, डन। अब यहाँ से हमें जोम्बीज को फिनिश करना है। ओके, तो इनको हम सबसे पहले मारते हैं, फिनिश करते हैं। और देख लीजिए 12 जोम्बीज को फिनिश करना है, उसके बाद से ये हमारा मिशन कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी इनको फिनिश करते हैं। भाई इनको अच्छे से गोली लग नहीं रही। ओके, यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया 11 जोम्बीज को, फिनिश कर दिया। एक और यहाँ पर बचा हुआ है, इसको भी फिनिश करते हैं। कोई मारते हैं भाई, ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है। हमने इसको फिनिश कर दिया, एक और बचा हुआ है टैक टू नेल्सन। तो सबसे पहले हम इसको फिनिश करते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम नेल्सन के पास चलते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे हम बात करेंगे। इनकमिंग जोम्बीज पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यू आर फाइनली हेयर, वेर इज एवरी बॉडी, हाउ डू वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड द नेल्सन। यहाँ पे पूछता है कि तुम ही दोनों क्यों आए और सब कहाँ पे हैं। तो ये बोलता है कि हम ही दोनों मदद के लिए आए हैं। फिर ये बोलता है कि तुम क्या पागल हो गए हो क्या, तुम दोनों कैसे मदद कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे एक बम है, इसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले नकली बम है जिससे हमें जोम्बीज में थोड़ा बहुत मारने के लिए मदद मिल सकता है। ओके, तो हमने इसको ले लिया और थोड़ा बहुत हम यहाँ से नीचे चलते हैं। उसके बाद से यहाँ पे और जोम्बी जा रहे हैं, तो इनको फिनिश करते हैं। और यहाँ देख लीजिए कितना बड़ा यहाँ पे जोम्बी जा रहा है, तो इसको भी हमें फिनिश करना होगा सबसे पहले तो। ओके, हमने इसके सबसे बड़े वाले जोम्बी को यहाँ पे फिनिश कर दिया है और एक जोम्बी यहाँ पे और बचा हुआ है, इसे हमें यहाँ पे नेंसल के पास चलना है। होल्ड योर ग्राउंड। ओके, तो हमें थैंक्स बोल रहा है कि मदद करने के लिए धन्यवाद। और ये हमें कुछ गिफ्ट भी दे रहा है, एक होम, टूटा हुआ होम दे रहा है जिसमें हमें जाना है। और उसको और ये बता रहा है कि यहाँ पे हमें बहुत ही कम जोम्बी देखने के लिए मिलेंगे और जानवर और पेड़ पौधे हमें बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, तो हम वहाँ पर चलते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे कुछ सामान भी दे रहा है, तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। कुछ एमओ भी दे रहा है, तो एमओ भी ले लेते हैं हम जल्दी से। ओके, और यहाँ पे शेरी हमें बुला रही है। ओके, हम चलते हैं शेरी के पास और देखते हैं क्या बोलती है शेरी। यहाँ से हम जल्दी से निकलते हैं, चलते हैं शेरी के पास। ओके, तो भाई ये गेम बहुत ही बेहतरीन है, मतलब अनडाउन गेम बहुत बेहतरीन लग रहा है। अब इसको हम पूरा गेम प्ले करेंगे, देखते हैं कि कितने पार्ट में अपलोड हो सकता है। अगर आप इसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम पूरा एंड तक खेलेंगे, वरना 4-5 पार्ट हम इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन गेम है और बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ओके, तो हमें आगे जाना है, यहाँ पर अंदर चलते हैं, देखते हैं सीरी क्या बोलती है। हम ओपन करते हैं, ओपन द गेट। ओके, ठीक है, हम शेरी के पास चलते हैं यहाँ पे।
आउटपोस्ट होम स्ट्रीट। तो यहाँ पे हमें एक Outpost घर देखने के लिए wanted to मिला build a है new भाई, residential zone here. लेकिन But इसको I हमें wonder how रिकवर long it'll करना है। take जी them to हाँ, recover तो this इसको हमें time. ठीक ठाक करना है, थोड़ा बहुत तो There's बनाना still है a lot of wood and equipment, और so हमें we might इसको be able बनाने to के लिए make something. इक्विपमेंट चाहिए। ओके, तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ टूल्स देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे साइड में, तो वहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे हमें तो कंस्ट्रक्शन वर्क बेंच हमें मिला है, यहाँ पे कुछ लकड़ी भी हमें मिला है। तो इसके ज़रिए हम जो यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है, जो कि लकड़ी का घर है, इसको हम थोड़ा बहुत तो रिकवर करेंगे। जी हाँ, और रिकवर करने के बाद से अपना बहुत सारे यहाँ पे हमें मिशन देखने के लिए मिलेगा। तो काम करते हैं, सबसे पहले घर को हम अच्छे से बना लेते हैं और देखते हैं घर में हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे इसको ठीक करना है। तो आज के लिए बस हम इतना रहने देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसका अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।